Hello friends, my name is Varsha Parak and today's topic and practical is PN junction diode. So aaj hum practical karenge PN junction diode ka. So let's start. Now PN junction diode experiment kit is here. It's a voltmeter forward biasing. It's a milliampere and forward current. It's a voltmeter reverse bias. It's a current. इट्स रिवर्स करंट इट्स माइक्रो एम्पियर एक फॉरवर्ड है जो मिली एम्पियर में रहेगा और ये माइक्रो एम्पियर में रहेगा ये इतना पूरे जो बीच में पार्टीशन है ये फॉरवर्ड बायसिंग की किट है और ये रिवर्स बायसिंग की किट है सो फॉरवर्ड बायसिंग की किट के लिए अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि पहले फॉरवर्ड बायसिंग कैसे हम इसे देखेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम करंट कैसे मेजर करेंगे वोल्टेज देकर सो अब देखते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है वोल्ट मीटर फॉरवर्ड बायसिंग इट्स अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये है आउटपुट करंट जो 0 to 3 volt पर दिया हुआ है वोल्ट मीटर माइक्रो एम्पियर शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे एक किट पूरा अंदर इसका पैटर्न डला हुआ है सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल ये जो रेड है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर It's connected to be a positive. Now, voltmeter of negative terminal is connected in a negative terminal. ये connection हो गया positive to negative. Now, milliampere connected positive. यहाँ पर आपको मिली एम्पियर का साइन दिख रहा होगा मिली एम्पियर का पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से ज्वाइन करना है फॉरवर्ड बायसिंग में और मिली एम्पियर के नेगेटिव को हम ज्वाइन करेंगे मिली एम्पियर के नेगेटिव से क्योंकि यहाँ पे साइन बना हुआ है नेगेटिव का सो ये हमारे लिए नेगेटिव हुआ सो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस हमने फॉरवर्ड बायस का अभी कनेक्शन कंप्लीट किया है अब हम इसकी रीडिंग लेंगे कि किस तरह से फॉरवर्ड बायस में करंट आती है उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे लीस्ट काउंट कितना होता है कैसे निकालते हैं हम लीस्ट काउंट तो लीस्ट काउंट ऐसे निकालते हैं आप देख सकते हो यहां पर 0 to 3 volt तक के आपको पास दिया हुआ है 0 to एक ब्लॉक है 0.5 का सो 0.5 और 0 के बीच में 10 ब्लॉक्स है वो 10 ब्लॉक से हमें एक ब्लॉक का वैल्यू निकालना है सो आप देख सकते हैं लीस्ट काउंट कैसे मेजर किया जाता है सो देखते हैं ब्लॉक कितने थे 10 सो पॉइंट हटा 100 दिया 0.05 लीस्ट काउंट सो वोल्ट मीटर का 0.5 था हमने इसका लीस्ट काउंट निकाला एक ब्लॉक का वैल्यू होता है 0.05 एंड अ मीटर के अंदर आप देख सकते हैं अ मीटर में 0 to फर्स्ट हमारे पास रीडिंग है 10 तक के सो इसका पहला ब्लॉक आ रहा है 2 मतलब इसके एक ब्लॉक का वैल्यू कितना होगा तो आपको करना है 2/10 तो 2/10 से 0.2 इसका लीस्ट काउंट आ गया तो वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट है 0.05 एंड अ मीटर का लीस्ट काउंट है 0.2 अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल करते कैसे हैं तो आइए देखते हैं सो फॉरवर्ड बायस में हमने देखा फॉरवर्ड बायस में अब हम देख रहे हैं सो अब हम एक टेबल बनाने वाले हैं टेबल में आपको वोल्टेज और करंट मेजर करनी है और वो आपको निकालना है सो यहां पर एक नॉब दिया हुआ है इस नॉब से आपको धीरे धीरे करंट वोल्टेज को बढ़ाना है देखिए आप देख सकते हैं जब 0 पे वोल्टेज था तो 0 इस पर भी 0.5 पर कुछ करंट आया है तो इसका लीस्ट काउंट एक ब्लॉक का कितना था 0.2 करंट आया 0 पे 0 0.05 पे 0 0.5 पे 0.2
नाउ अब हम इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं. पॉइंट 0.75 पे कितना आया है? 1.2. सो पॉइंट 0.75 पे आया है 1.2. वन पर आया है 2.6. वन पर आया है 2.6. देख सकते हो आप वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है एम्पियर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है. 1.25 पर आया है 4. 1.5 पर आया है 5.2. 1.5 पे आया है 5.2. वन पॉइंट सेवन फाइव पे आया है 6.4. 2 पर आया है 7.8. 2 पर आया है 7.8. 2.25 पर आया है 9. 2.25 पर आया है 9. 2.5 पर आया है, अरे ये तो क्रॉस हो गया. तो आपका मतलब दिख रहा है कि वोल्टेज जो है बढ़ रहा है तो करंट भी आपका बढ़ रहा है. आइए अब हम रिवर्स बायस देखते हैं. रिवर्स बायस में हम कैसे प्रैक्टिकल करते हैं. सो रिवर्स बायसिंग में भी हम देख सकते हैं कि आपको सेम फॉरवर्ड बायस जैसा ही करना है. जैसे आपने देखा वी रिवर्स लिखा हुआ है, यानी वोल्ट मीटर रिवर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को आपको ज्वाइन करना है ये पॉजिटिव टर्मिनल से. वी रिवर्स यानी वोल्टमीटर रिवर्स के नेगेटिव टर्मिनल को आपको ज्वाइन करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ आउटपुट से. अमीटर दिया हुआ है माइक्रो एम्पियर, करंट जो है रिवर्स करंट है, इसके नेगेटिव टर्मिनल को आपको ज्वाइन करना है. यहाँ लिखा है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर के आपको पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना है. यहाँ पे रिवर्स बायस इसीलिए क्योंकि हमें रिवर्स में करंट शो करना है. सो करंट का पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइंट होगा माइक्रो एम्पियर के नेगेटिव टर्मिनल से. याद रखिएगा फॉरवर्ड में सब पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, एंड रिवर्स बायस में पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव फॉर माइक्रो एम्पियर. बाकी वोल्ट मीटर तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव. ओके, ये होता है रिवर्स बायसिंग. और रिवर्स बायसिंग के अंदर हमें करंट को मेजर करना है तो पूरे नॉब जीरो पर सेट होने चाहिए. और अब हम इसका धीरे धीरे देखते हैं कि किस तरह से उसको मेजर किया जाता है. रिवर्स बायस करंट को मेजर करने के लिए वही टेबल बनाएंगे जो फॉरवर्ड के लिए हमने बनाई थी रिवर्स बायस के लिए. सो रिवर्स बायस के लिए अब हम देखते हैं, हमने ऑन कर दिया है. ऑन करने के बाद हम देख सकते हैं धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे और एम्पियर को नोट डाउन करते जाएंगे. यहाँ पर इस वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा वो निकालना है. रिवर्स बायस में वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट, वोल्ट मीटर लीस्ट काउंट 5 था और अपॉन में 10 ब्लॉक्स थे,
सो 1/2 इट्स अ 0.5, यानी एक ब्लॉक का वैल्यू आपका 0.5 है, और अ मीटर जो कि माइक्रो एम्पियर में है, लीस्ट काउंट इसका होगा, इसमें देखते हैं, 0 से लेकर 20 तक के दिया हुआ है, तो उसका लीस्ट काउंट आपका बनेगा 20/10, 0 से 0 कैंसिल, सो 2 ब्लॉक, सो 2 ब्लॉक आपका लीस्ट काउंट है, यानी इसका है 0.5, इसका है 2 ब्लॉक, तो लीस्ट काउंट हमारा निकल गया। रिवर्स बायस करंट के लिए अब हमने टेबल भी बना ली है रिवर्स बायस करंट के लिए। सो रिवर्स बायस करंट में हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और करंट को मेजर करते जाएंगे। पहले हमने इसको रखा 2.5 पर, 2.5 पर करंट आया है 2 ब्लॉक्स, यानी एक ब्लॉक है तो हमने उसका एक ब्लॉक का मान कितना था 2। उसके बाद हमने देखा 5 पर रखा तो वो आया 4, सेवन पॉइंट फाइव पर रखा तो आया 10, 10 पर रखा तो ये आया 12, 12.5 पर रखा तो इसका आया है वैल्यू 16 है, फिफ्टीन का कितना आया है यहाँ पे 20, 15 का 20 आया, बढ़िया। सेवनटीन पॉइंट फाइव पर 24, 20 पर 22, 24, 26, 26, 22.5 पर कितना आया 58, 25 पर, इसके बाद ये हो जाता है, देख सकते हैं आप, इसको मैंने 22.5 पर लाया, 22.5 पर कुछ करंट दिया, उसके बाद अगर मैंने इसको ज़रा सा भी अवव किया तो वो करंट ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ऐसा वोल्टेज जिस पर करंट बिल्कुल ब्रेकआउट हो जाए, तो वो वोल्टेज होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमने यहाँ पे करंट और वोल्टेज नोट करे हैं जो हमने देखे थे। अब इस बेस पर हमको रिवर्स बायस के ऊपर ग्राफ बनाना है और फॉरवर्ड बायस पर ग्राफ बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ ग्राफ फॉर पीएन जंक्शन डायोड फॉर फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग की आपने पीछे रीडिंग्स देखी, उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ प्लॉट किया है। रिवर्स बायसिंग के लिए भी हमने ग्राफ प्लॉट किया है। सो ये होता है पीएन जंक्शन डायोड ग्राफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।